यह भी कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पॉलिटिकल फोरम था, उनके जो अभी पहले तो 58 अनुषांगिक संगठन थे, अब वो सैकड़ों में हैं। तो उसमें अभी पॉलिटिकल विंग उनका बीजेपी है और उससे पहले जनसंघ था। तो जनसंघ के घोषणा पत्रों को उठा के देखें, चुनाव घोषणा पत्रों को, तो उसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्षीय राष्ट्रपति शासन प्रणाली को, जो अमेरिका के पैटर्न पर है, उसके समर्थन में वो रहते रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा के 3 चुनाव घोषणा पत्रों में रहा है कि ऐसा होना चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ ये कहती है कि ये जो भारत का मौजूदा संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको खत्म करने की पर एक बहस है। मैं बहस इसलिए कहूँगा कि अभी मैं मीनू जी ने जो कहा कि ये रेत फिसल रही है, बात तो सही है कि सत्ता इनके हाथ से जाती दिख रही है। क्योंकि किसी भी सवाल को जो ये 2014 से और फिर 19 के चुनावों में वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कोई भी सवाल, ब्लैक मनी की वापसी। तो समाज का हर सेक्शन इनसे इनसे दुखी है, सिवा कि कुछ जो हिंदू, कट्टर हिंदू समर्थक जो लोग इनके रहे हैं, जो कि आरएसएस के लोग ही हैं मूलतः। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करने और राष्ट्रपति शासन प्रणाली और राज्यों में राज्यपाल के शासन प्रणाली की ओर ले जाने की दिशा में है। लेकिन इस संसद के सत्र में एक कयास लगाए जा रहे हैं पत्रकार, नेता, इवन कि मुझे बीजेपी के एक एमपी से भी बात करने का मौका मिला, तो उनका कहना था कि तो मंत्रियों को भी नहीं पता है कि एजेंडा क्या है, ये जो 5 डे स्पेशल पार्लियामेंट सेशन है। तो प्रहलाद जोशी जी को ही नहीं पता है, जो संसदीय कार्य मंत्री है, आप मंत्री से मत पूछिए, उन्हें ही नहीं पता है। लगभग उनके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो बिल्कुल साफ यही लगता है कि उनको भी नहीं पता है कि एजेंडा क्या है। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि वो ये सरकार की, मैंने इवेंट मैनेजमेंट तो है ही है, भौकाल बनाने की, एक भौकाल एक शब्द है कि वेब सीरीज में कहीं यह शब्द मैंने सुना, जो है सब सीरीज ही है। तो ये क्योंकि पार्लियामेंट में इनको लोकसभा में तो बहुमत है, वन नेशन वन इलेक्शन में 5 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करने पड़ेंगे, 5 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, और संविधान संशोधन के लिए 2/3 की मेजॉरिटी होना जरूरी है, जो राज्यसभा में इनके पास नहीं है। तो इस पार्लियामेंट में, इस लोकसभा में, या इस लोकसभा के आम चुनाव से पहले ये करने की संभावना नहीं है, फिलहाल तो नहीं दिखती है, क्योंकि नंबर राज्यसभा में इनके पास 2/3 का नहीं है। ये सामान्य बहुमत से विधेयकों को पारित करा लेते हैं, वो भी 2-3 जो इनके मैंने जिस भी वजह से उनका समर्थन करते रहे हों, बीजू जनता दल, YCR, ये KCR और जगनमोहन रेड्डी, इस तरह की पार्टियां इनका सपोर्ट करती रही हैं राज्यसभा में। तो मैं इस रूप में इसको देखता हूं कि यह भी तो ये नहीं कर सकते, लेकिन यह एक भविष्य की डिबेट जरूर इन्होंने खड़ी कर दी है। क्योंकि हम जब 4 2019 के चुनाव के बाद रिपोर्टिंग में थोड़ा बहुत करता था, थोड़ा बहुत मतलब कर पाता था, तो ये कयास तब भी सुने जाते थे कि 75 साल में राजनीतिक रिटायरमेंट मोदी जी कर देते हैं सबका, तो ये भी होंगे क्या। तो अब वो 73 72 कितना, 73 उनकी उम्र है, 74 के और होने जा रहे हैं, 74 वर्ष के होने जा रहे हैं, हाँ, 73 और 70 के। तो लोकसभा के चुनाव के बाद इनके पास 75 वर्ष पूरे होने में साल 8 महीने बचे रहेंगे। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि ये इनको बहुमत, इनकी सीटें बढ़ जाएंगी तो ये राष्ट्रपति बन जाएंगे, और अपने किसी दूसरे को, अमित शाह को या जो भी हो, वो प्रधानमंत्री उसको बना देंगे। राज्यों में भी यही स्थिति होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि मंशा ही दरअसल इस सरकार की हमेशा संदेहास्पद रही है। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के
गंभीर होते तो आप उसके सारे स्टेक होल्डर्स को उस कमेटी में शामिल करते। ये 8 सदस्यीय कमेटी, एक तो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाना ही कानूनी रूप से आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से आपत्तिजनक है, क्योंकि राष्ट्रपति माना जाता है कि वो निष्पक्ष होता है और पार्टी से परे होता है, पार्टियों से। ये अलग बात है कि वो पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, नेता, मंत्री होने के बाद ही रिटायरमेंट की एज में वो राष्ट्रपति बनते रहे हैं। नियम तो ये भी है कि वो लोकसभा चुनाव कभी नहीं लड़े कोई भी राष्ट्रपति, लेकिन नियम नहीं है ऐसा, कोई कानून नहीं है कि एक्स प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन नैतिक रूप से उनको किसी कमेटी में या किसी सरकारी पद पर या किसी इस तरह की स्थिति में नहीं लाया जाता था, ताकि उनकी तटस्थता, निष्पक्षता, शुद्धता, शुचिता, जो भी शब्द कहें राजनीति में, वो बनी रहे। वो एक विश्वास जनता में, जनता, ये लोकतंत्र जो है ना, ये सिर्फ विश्वास की एक बारीक तलवार की एक बारीक धार पर चलता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसके लिए इकबाल शब्द होता है कि वो सरकार का इकबाल है, तो ये इसी तरह विश्वास का एक इकबाल होता है। अदरवाइज वो सबको पता है कि सब कुछ जो रूलिंग पार्टी होती है वही सारे फैसले लेती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल उनके मुहर होते हैं। तो उस समय भी हम लोगों को लगता था कि अरे भाई ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे जब, तो ये तो अभी तो राष्ट्रपति रबर स्टैम्प की भूमिका में होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ही उनके भाषणों तक भी लिख के भेजते हैं। तो तब अब इसको दोनों को क्लब करिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, तो समझ में आता है कि अच्छा वो जो अमेरिकन पैटर्न है, अमेरिकन सीनेट का जो सिस्टम है, वो उसको यहाँ पर लाना चाहते हैं। पर भारत में आप यह नहीं कर सकते हैं जो मीनू जी ने और राजेंद्र जी ने कहा, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये भारत में संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों, भाषा भाषियों का यह देश है। भारत एक राष्ट्र है, वह संघीय ढांचे में एक राष्ट्र है, तमाम राज्यों के संघ का एक राष्ट्र है, वह ऐसा एक राष्ट्र नहीं है जिसमें संघ नहीं है। राज्य उसमें संघ की भूमिका में है और उसकी आत्मा में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का सिद्धांत उसको माना जाता है। तो आप इस तरह से सेंटर में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल शासन करेंगे, विधानसभाएं, सरकार कितनी भी भ्रष्ट हो तो फिर भी वो सरकार चलती रहेगी, बहुत होगा तो शायद वो अपना प्रधानमंत्री या राज्यपाल इसको बदलते रहेंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। भारत जिस विविधताओं के लिए, जिस संस्कृति के लिए और जिस मैंने अपने बहुरंगी आयाम के लिए जाना जाता था, वो ख़त्म आप कर देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि त्रिपाठी जी, कि ये जो पैसा खर्च होता है, तो पैसा कहाँ खर्च होता है, मतलब वो जनता के बीच ही, चलिए करप्शन में ही हम कह रहे जा रहा है, आपका वोट खरीदना है, आपका वोट खरीदना है, तो आपको मानिए कि पैसा त्रिपाठी जी, वो पैसा तो मार्केट में ही आ रहा है, अगर आपको गिफ्ट दिया तो वो भी मार्केट में ही आ रहा है, कोई झंडा बैनर पोस्टर लिख रहा है तो वो भी पैसा मार्केट में, जनता में जा रहा है। तो वो पैसा ऐसा नहीं कि वो 10,000-20,000 करोड़ रुपया निकला और कहीं दूसरे देश में चला गया या समुद्र में डूब गया, वो इस देश की इकॉनमी को ही रन कर रहा है, इसलिए वो चिंता एकदम कतई चिंता की बात नहीं है। हम खाली एक और जोड़ना चाह रहे थे राजेंद्र जी की बात को, कि वो सही कह रहे हैं कि संघीय ढांचे को समाप्त करके केंद्रीकृत पूरा ढांचा करने का, ये नीड्स कॉर्पोरेट की है। मैं पहले आपकी बात का जवाब दे दूं, फिर राजेंद्र जी का बात भी सुन लूंगा। अनिल जी, ये जो खर्चा है ये अनुत्पादक खर्चा है, देश के विकास में इसका रत्ती भर योगदान नहीं होता, एक चवन्नी नहीं आता, ना उत्पादक में होता है, ना जीडीपी में जुड़ता है। मैं जहां मैं समझ पाता हूं, ये पूरी तरह से शराब जो बढ़ती है चुनाव के समय, जो चीजें बढ़ रही हैं, ये अनुत्पादक खर्चे हैं, मेरा मानना है। फ्लैक्स होर्डिंग और विज्ञापन का ही देख लीजिए ना, विज्ञापन पे आप तो खैर इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है विज्ञापन के लिए किस तरह से थैलियां खुलती है।
तो ये इसका क्या बताइए, सकल राष्ट्र के जीडीपी पे क्या योगदान है इस खर्चे का, इस पर एक अलग चर्चा रख लीजिए शिव कुमार जी, ये लंबा विषय है। अलग से बात बिल्कुल इस पर डिटेल से बोल सकता हूँ। आज की चर्चा, आज का मुद्दा आज की चर्चा में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नीड्स जो है कारपोरेट की है, वो कृषि का मुद्दा है, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है, वन कानून में संशोधन है, खनन माइनिंग में अमेंडमेंट, कानून में अमेंडमेंट करना है, ये सब, ये जो राज्यों को कारपोरेट्स को राज्यवार डील करना पड़ता था, उस मुख्यमंत्री को, उस सरकार को, उसको वहां के डीएम कलेक्टर को, तो ये केंद्रीकृत करने की सारे अधिकार सेंटर के पास लाने की और सारे कानूनों के, कृषि तो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट था वो सेंटर का, एग्जैक्टली अनिल भैया बिल्कुल, मैं आपके एक मिनट मैं वहीं जोड़ना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी चिंता में ही आगे बढ़ा रहा हूं कि कृषि तो राज्य का विषय था, कृषि जो है स्टेट के शेड्यूल में था, फिर भी इन्होंने कानून बना दिया, टाइम कम है इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अदानी जी को हर राज्य सरकारों के पास अलग जाना पड़ता, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जी तुम्हारे लिए एक केंद्रीय कानून, तीन कृषि कानून बना दे रहे हैं, उसमें तुम्हारा मार्केटिंग भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, कारपोरेट खेती भी आ जाएगा, साइलो बड़े बड़े गोदाम भी सब बन जाएंगे, वो हम उन्होंने इसलिए किया, यही हाल वन कानून में उन्होंने किया, यही हाल लैंड एक्विजिशन में किया उन्होंने, तो ये कारपोरेट की डिमांड थी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आपातकाल से आज की स्थिति ज्यादा भयावह है, ये अभी मीनू जी चली गई, उन्होंने कहा कि ये बड़ी जनता का बड़ा हिस्सा अफीम, धर्म की अफीम में है, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, जनता का बहुत छोटा हिस्सा अज्ञानता वक्त उस अफीम में डुबकियां जरूर लगा रहा है, और ये जो कारपोरेट मीडिया है वो उन्हीं पर फोकस कर रहा है, जबकि जमीन पर किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, समाज के विभिन्न तबके बड़े बड़े संघर्ष चला रहे हैं, जिनको कि हम खबरों में देख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते।